एक ऐसा कत्ल जिसमें कातिल ने जुर्म कबूल तो लिया लेकिन साजिश का खुलासा ही नहीं हो पाया। 2015-12 दिसंबर को हेमा और उसके वकील हरीश की लाश कांदीवली के एक नाले में मिली। उनका अपने पति चिंतन उपाध्याय से तलाक का मुकदमा चल रहा था, इसलिए पुलिस ने शक के आधार पर चिंतन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वह हत्या से इनकार करता रहा। फिर पुलिस ने हेमा की कॉल रिकॉर्डिंग चेक की तो लास्ट कॉल में एक व्यक्ति ने उन्हें अपने पति के खिलाफ सबूत देने को कहा था और वो अपने वकील के साथ सबूत लेने गई तो दोनों को मार दिया। फिर उस कॉल को ट्रैक करके पुलिस ने साधु राजभर को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की गई तो उसने कहा कि यह कत्ल मैंने अपने गुरु विद्याधर के कहने पर किया था। उसने बताया विद्याधर और हेमा बिजनेस पार्टनर थे, पैसों का लेनदेन बाकी था, इसलिए विद्याधर ने उन्हें मरवाया है और यह सब साजिश उनके पति चिंतन ने रची है। फिर पुलिस ने विद्याधर को खूब ढूंढा लेकिन वह आज तक मिला ही नहीं। पुलिस के पास पति चिंतन के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए चिंतन को भी जमानत पर छोड़ दिया गया और विद्याधर आज भी फरार है।